गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन दरबार साहिब विच नगर बवाणी जिला लुधियाणा नेड़े राड़ा साहिब जिथे कि आपां नूं गुरु पातशाह की हाजरी भरन का समा मिले है। बहुत वड्डे भागां नाल इहो जिहियां घड़ियां नसीब हुंदियां गुरमुख, क्योंकि सत्संग की हाजरी भरनी, गुरु के बचना नूं सुनना, सुन के उन्हां नूं अपने जीवन विच कमाउणा, ये कारज जेड़े जेड़े भी करनगे उन्हां नूं संसार दे विच बहुत उच्चा सुच्चा दर्जा ते सत्कार मिलदा है। जे थानू इस गल ते यकीन ना होवे तां नेड़े ही है राड़ा साहिब दी पावन धरती। गुरु नगर राड़ा सी पर महापुरखां ने चरण पाते, नाम बाणी कथा कीर्तन दा प्रवाह चल पिया, देशां विदेशां विच महापुरखां ने गुरु नानक दी मत दा प्रचार कीता ते राड़ा राड़ा साहिब वजन लग गया। आखो सतनाम श्री वाहे गुरु। कपड़ा उही हुंदा है, महंगा लिया के आपां पा लीए, दो चार होणगे जिहड़े कह देणगे सोहना लगदा नहीं जरदे नहीं, कहणगे लै फुल्लिया फिरदा, पता नहीं कित्थों कमाई आउंदी है। आपां नूं उन्ना सत्कार नहीं मिलना उही कपड़ा, जेकर गुरु साहिब नूं भेटा हो जाए रमाला साहिब बन जाए ता प्यारे उही कपड़ा हुंदा, फिर उन्हूं रुमाला साहिब आख्या जांदा है। 500-400 रुपये च लकड़ दी मंजी बन जांदी है, कईआं ने घरां विच बच्चियां वास्ते मंजियां बनाईआं, उन्हां नूं कोई मत्था नहीं टेकदा गुरु, पर उही लकड़ दी मंजी जे मेरे सतगुरु प्रकाश होण ते उह मंजी साहिब बन जांदी है। आखो सतनाम श्री वाहे गुरु। ते आपां भी कोशिश करो उस वड्डे परमात्मा दे नाल जुड़ना है, जुड़ना पैना है गुरमुख। जिदे जम्मे सी उदे भी लिव जुड़ी हुई सी, मां दे ढिड विच बच्चे नूं क्यों नहीं भला दुख आउंदा, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी ने दसिया है भी जदों तो बच्चा मां दे ढिड विच हुंदा है उहदे स्वास चल पैंदे है ते उहदी सुरत परमेश्वर नाल जुड़ी हुंदी है, ते ज्यों ही पैदा होया फिर की हुंदा है, बस लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया। जिन्हें बैठे हो आपदे आपदे मना च ही आपां झाती मार लीए, जिन्ना चिर बचपन दा सी वाले वधिया सी ना, ना कोई फिक्र सी, ना कोई जात पात दा पता सी, ना ही
कोई मित्र दुश्मन सीगा। बस ज्यों ज्यों ज्ञान वधदा गया दुखां दी पंड आपां बणदे गए। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। ये भी संसार विच देखे है कमलियां नूं दुख घट हुंदा गुरमुख हुण घरां च नहीं। जे एक बंदा समझदार होवे ओह कबीलदारी सामदा बोझ चक्की जांदा ते फिर ओह ते होर पाई जांदे आ वी आ वी तू कर आ वी कर क्यों तू सियाणा है। ते ओही परिवार दा इक अद्धा मैंबर इदां दा वी हुंदा है उहनां नूं कोई संग शर्म नहीं हुंदी गुरमुख। कर्म भी माड़े माया दा घर दा भी नुकसान करदे है। ते जे कहो भी हट जा कहणगे असीं तां ही करांगे कर लो की करना साडा क्यों कमलियां दी गिणती च है। सियाणप होनी अकल होनी दुखां दी पंड सिर ते चकना होर कुछ नहीं गुरमुख। गुरु नानक देव महाराज संसार विच आए आ उन्हां दे प्रकाश दिहाड़े दे दिन चल रहे है। सारिया संगतां नूं गुरु नानक पातशाह दे अवतार पुरब दीआं साडे वल्लों लख लख वधाईआं। साडी तां इह अरदास है सब दे घरां विच धी पुत गुरु नानक वर्गे पैदा होण जिहड़े अपनी कुल दा अपनी बरादरी दा अपने इलाके दा नाम उच्चा करन गुरमुख ते बन सकदे हो। गुरु महाराज कहिंदे ने कहिंदे जो गुरमत विच दस्या उहदे अनुसार जीवन ज्योई चल तू वखरा नहीं। खालसा मेरो रूप है खास खालसे में हों करो निवास। जिहड़ी मर्यादा दसी एक तां किरत धर्म दी करनी है गुरु कम कोई भी मिलिया उहनू करो ईमानदारी नाल करो दुखी होके नहीं करना अपने फर्ज निभाया करो जरूर। जिहड़ा पैसा आउंदा है उहदे विच्चों कुछ ना कुछ धर्म दे नां ते दसवंध कढ़ना है। किसे लोड़वंद दी मदद जरूर करनी है। जे तेरे कोले लोड़ तों वधदा है कोई बच्चियां दे पढ़न वास्ते स्कूल दे कमरे पै रहे है उत्थे दे दे माया। कोई गुरु घर बन रहा है कोई नौजवान वीर जां भैणा कट्ठे हो के बच्चे बच्चियां दे विआह करदे आ कई थावां ते हुंदे आ ना क्लब बने हुए उहनां दी सहायता करिया करो सत्कार करिया करो घर विच बैठे बजुर्गां दा। गुरमुख इन्हां दे कोलों जिहड़ी असीस मिलनी है उहने साडा बेड़ा बन्ने जरूर लाउणा है। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। कहिंदे आ ना मां दी असीस टाली नहीं जांदी। जे मां असीस देवे उहनूं रब भी प्रवान कर लैंदा गुरमुख। चाहे मां है चाहे पिता है घर च बैठे आ उहनां दा सत्कार करना है। ते कई घरां च इह भी देखिआ है बजुर्गां ने अपना जीवन संभालिया नहीं हुंदा सुधारिया नहीं हुंदा मरदे दम तक माड़ियां आदतां नहीं छड्डदे। पर आपां फिर भी प्रहलाद भगत वाली बिरती रखनी है। पिता मारदा सी फिटकारदा सी पर प्रहलाद भगत फिर भी अरदास करदा हे परमात्मा मेरे पिता दा भला होना चाहीदा। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। ये गुरसिख दी बिरती जरूर होनी चाहीदी है। भोजन प्रसादा छको परमात्मा दा नाम लो गुरमुख ते संगत भी उन्हां दी करो जिन्हां नूं मिलन करके उस वाहिगुरु दी याद आवे। आपां पढ़िया सी ना सेई प्यारे मिलायो जी जिन्हां दे मिलियां याद तेरी आवे। जिहड़े गुरसिखों जे अमृत नहीं भी सकिया सिख नहीं भी बने कई सहजधारी भी बड़े चंगे इंसान होंगे जिहड़े गुण ने वह किसी ना किसी की संगत करके आए होंगे। किसी नूं माँ चंगी मिली किसी नूं पिता चंगा मिल गया किसी नूं कोई सस सहुरा चंगा मिल गया। कईआं दे मित्र बड़े चंगे होंगे आ देख लेंदे आ भी ये बंदा गलत राह जांदा कुराहे फसिया है हौली हौली प्यार नाल समझा बुझा के उहनूं सीधे राह ते लई आउंदे आ। गुरु पति पत्नी का रिश्ता है जीवन गलत भी होवे एक जाना जरूर दूजे नूं लीह ते लई आउंदा जे लिआउणा चाहे गुरमुख। संगत का असर हुंदा इस करके संगत चंगे इंसानां दी करनी है। ते सब तो वड्डी गल है परमात्मा का नाम जपना। आप भी जपो
ते जिवें हुण प्रोग्राम हुंदे आ कई सियाने गुरसिख मूहरे लगदे आ साधु संत महात्मा नूं चंगे प्रचारकां नूं जां ढाडियां कविशरां नूं चंगियां नूं बुला के प्रचार कराउंदे आ जिहड़े प्यार नाल संगत नूं जोड़न गुरमुखो उहनां नूं बुलाया करो चार पीए खर्च दिओगे उह वी साडे धर्म दे लेखे आ तोड़न वालिआं मंगर ना तुरिआ करो जे इह कारज करोगे तां उहदे वास्ते गुरु महाराज कहिंदे असी तो यह जे सिखां दी चरण धूड़ मंगदे आं आखो सतनाम श्री वाहेगुरु गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भलके उठ हर नाम ते आवे ये सिख दी बिरती दसी है कल्ले कहण नूं ना रहीए असी सिखां चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज जी दी बाणी है पहला शब्द सुन लो फिर आपां इतिहासक विचार शुरू करनी है गुरु महाराज सानू किद्दां दा जीवन जीवन दी जांच दसदे है किते भी नहीं कहा भी घर बार छड़ो जां जंगलां नू जाओ धुइयां तापो जल धारे करो ठीक है जिन्हां दा मन चाहुंदा सी ओह करदे सी पर सारे नहीं सी ना पकड़ सकदे मेरे सतगुर ने मर्यादा उहे जी दसी जिन्हू सारे अपना सकते आ आखो सतनाम श्री वाहेगुरु लै सुनो बाणी विच की समझाउंदे हन महला चौथा गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो पलके उठ हर नाम ते आवे महाराज कहिंदे रात हुंदी है सौण वास्ते भोजन प्रसादा छक अपने परिवार नाल दुख सुख कर बच्चियां दा दुख सुख पुछया कर शाम नूं रहरा साहब कीर्तन सोहला पढ़ फिर सौ जा टाइम नाल पर अमृत वेले उठना है उठ के वाहिगुरु दा नाम जपना है गुरु यह नहीं भी सारी सारी रात आपां जागदे ही रहना है चलो जी दा मन बनदा है कई सिमरन करदे आ सेवा करदे आ वह भी ठीक है पर सारे नहीं ना जाग सकते हुण दिने फिर कम किवें होऊगा गुरु सौण दा भी एक समय इहनूं संभालिया करो बाबा फरीद जी तां कहिंदे पहला पहर है फुलड़ा फल भी पछा रात कहिंदे जिहड़ा पहला पहर है ना रात दा 6 तों 9 तक इह ऐ समझ ला भी फुल है फुल कोई भी बूटा है घरां च लाउंदे हो तुसीं जां नरमा कपाह बीजदे हो पहला फुल लगदे है ना जे फुल संभाले जान फिर फल पकदा है ते जे बूटियां दी बूकी फुल ही डिग पैण फिर फल भी नहीं लगदा गुरु बाबा जी कहिंदे आ पहर फुल है इहनूं गलत गल्लां च गंदे गीत संगीत वाले पासे ना लाया कर सिमरन वाले पासे लाया कर जे ये समा संभाल लिया जिहड़ा पिछला पहर है रात दा सवेरे 3 तों 6 तक उदो महाराज कहिंदे सिमरन करी तैनू बहुत फल मिलू आखो सतनाम श्री वाहे गुरु इन्हां समयां विच जो जगन लहन से साईं कन्नों दात कहिंदे मालक दे कोलों ओह दातां लै लैंदे ऐ ते बहुत छेती परमात्मा झोलियां भरदा है जिहड़े अमृत वेला संभालण आम बोली च आपां कहिंदे आ वी तड़का तड़का दाल सब्जी नूं वी लाईदा है जे माइयां मर्यादा नाल बना देन चंगा लग्या होवे तड़का दो चार रोटियां वध ही खा लई दी है वह भी एक मर्यादा है जिंदगी दी भी मर्यादा है ते माइयां बैठियां है मर्यादा तो बिना तो मूंगी भी नहीं सही बनती कई थावां ते जाईदा मूंगी देवी तो कहिंदी हुंदी है मैनूं चमचे ना खा ते जल देवता कहिंदा घुट्टां बाटी पी लै कई मूंगी नूं ही इहो जिहियां बणाउंदियां है अमृत ही बनिया पिया हुंदा गुरु हर चीज़ की एक मर्यादा है असूल है अमृत वेला तड़का संभालिया करो भाई ये गुरु घर का असूल है किते उन्हां दी गिनती च ना जियो जिन्हां बारे महापुरख कहिंदे हुंदे भाग जिन्हां दे माड़े दित्तियां बांगां तो ना जागदे भाग जिन्हां दे माड़े दित्तियां बांगां तो ना जागदे ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਗਦੇ ਭਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
बोलिया करो भाग जिना दे माड़े दितिया बांगा तो ना जागदे भाग जिना दे माड़े दितिया बांगा तो ना जागदे कहंदे जिन्हां दे भाग माड़े होण अमृत वेले भी नहीं जागदे हुण मुसलमान सन बाबा फरीद जी ते मुसलमान पंज नमाज़ां पढ़दे है ना ते बाबा जी कहंदे ने फरीदा बेनवाजा कुत्ते आ ए ना भली रीत कब ही चल ना आया पंजे वक्त मसीत गुरबाणी च तां सब नूं ज्ञान दिता है कहंदे मुसलमान पंज नमाज़ां पढ़दे है जे नमाज नहीं पढ़दा बिना नमाज तो मुसलमान जिउंदा है बाबा जी कहंदे ए चंगी गल नहीं आखो सतनाम श्री वाहे गुरु ओदी तुलना फिर कुत्तिया ना कीती है बेनवाजा कुत्ते आ ए ना भली रीत ए चंगी गल नहीं केड़ी भला भी पंज नमाजा पढ़िया गई तू एक च भी नहीं आया कब ही चल ना आया पंजे वक्त मसीत ते हाल अपना भी यही है सवेरे शाम गुरु घर विच भजन पाठ हुंदा है जे अमृत वेले आया करो तो बहुत वधिया जे नहीं आया जांदा जदों टाइम मिले जरूर दर्शन करिया करो नहीं तो शाम नूं ही रहरा साहिब वेले हाजरी ला लिया करो गुरु को ये जरूर ख्याल करना गुरु रामदास महाराज आ पवित्र बाणी विच 306 अंग ते लिख के गए है बचन कहिंदे गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भल के उठ हर नाम ते आवे अमृत वेले उठ के प्रभु दा नाम जपना है उदम करे भल के परवती इशनान करे अमृत सर नावे कहिंदे अमृत वेले हिम्मत करिया कर उद्यम करिया कर संदेहा उठिया कर उठ के इशनान करना है फिर बाणी पढ़नी है ऐ समझ ली तेरे अमृत सरोवर विच चुभियां लग रही है आखो सतनाम श्री वाहे गुरु जरूर ए लाह लिया करो किते समागम होवे पाठ चलदा होवे नितनेम हुंदा होवे उदों अपने मन नूं कहना मना मना चुभियां मार के नाले नाम वाली गंगा वग पई मना चुभियां मार के नाले नाम वाली गंगा वग पई चुभियां मार के नाले नाम वाली गंगा वग पई हला चुभियां मार के नाले जी नाम वाली गंगा वग पई मना चुपियां मार के नाल इशनान करना बाणी पढ़नी है समझ लियो अमृत सार इशनान कर रहे हां उपदेश गुरु हर हर जप जापे सब किल बिख पाप दोख लह जावे आ गुरु दा उपदेश है सुन लो महाराज कहंदे जेड़ा हर हर जपदा है ना वाहिगुरु जपदा है परमात्मा दा नाम जपदा है भावें राम कहो हर हर कहो गोविंद कहो अल्लाह कहो सारे ही महाराज कहिंदे बलिहारी जाओ जेते तेरे नाम है हे परमात्मा जिन्ने भी तेरे नाम है सारियां तों ही बलिहार जाइए जिमें भी जप सकदे हो भाई जपिया करो जेड़ा जपदा है ना महाराज कहिंदे सब किलविख पाप दोख लै जावे किलविख पाप पता केड़े मन्ने
किसी विद्वान संत महापुरश या ब्राह्मण का कतल कर देना, किसी कन्या मार देना। आम गऊ न पूजिया जाता सी, किसी गऊ न मार देना, ये किलविख पाप होंगे सी। कहिंदे तेरे ये पाप भी जे होए ने ना जिंदगी च ये लै जाणगे, तू परमात्मा दा नाम जपना शुरू कर। फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे, बहदिया उठदिया हर नाम ते आवे। पातशाह कहिंदे दिन चढ़दे तक भाई गुरु वल तेरा ख्याल होना चाहिए, गुरु की बाणी गाया कर। कम धंधा करदिया भी गा सकते हो, जिवें बीबी अमरो दूसरे पातशाह गुरु अंगद देव की धी सी गुरमुख, घर चो सिखिया मिल गई, रोज पाठ करना ते ब्याही गई, ते सहुरे घर भी जाके नाले तो दुध रिड़किया करे नाले पाठ करी जाया करे, क्यों बाणी नू जवानी याद करना है। पैसा गंठ बाणी कंठ गुरमुख, जे चार पीए है ना एवें ना पुठे कम्मा च उड़ा दियो, कि उन्होंने संभालो ता कि लोड़ वेले कम आ जाण। आखो सतनाम श्री वाहे गुरु। क्योंकि औरत ईमान पुत्र निशान दौलत गुजरान, फकीर ना हिंदू ना मुसलमान, माया जोड़ के रखनी है। सतगुरु महाराज कहिंदे ने, कहिंदे भाई तेरे कीते हुए पाप लै जाणगे, परमात्मा का नाम जपना शुरू कर। ते जपन वास्ते ये नहीं भी कम छड़ के बहना। बीबी अमरो एक दिन दुध रिड़की जावे नाले उची उची पाठ करी जावे, बलिहारी गुरे अपने देवहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी वार। ते जेड़े गुरु अमरदास तीसरे पातशाह होए है ना, उदो इन्हां नूं गुरु घर बारे पता ही नहीं सी। गुरु 72 साल की उम्र सी, तीर्थां ते जरूर जांदे। एक बारी किसी ब्राह्मण दे नाल यात्रा की, दुर्गादास सी उहदा नाम, उहने पुछ लिया, कहिंदा भाई अमरदास आए दस तेरा गुरु कौन है। ते बाबा अमरदास जी कहिंदे मैं मेरा तो कोई गुरु ही नहीं हैगा हजे तक। वह ब्राह्मण ने ताना मारिया, कहिंदा तेरे नाल कीती यात्रा भी बेअर्थ गई, हजे बेगुरे ही तुरिया फिरदा, वो बेगुरे का तो दर्शन करना भी माड़ा है, मैं तेरे नाल खा पी भी लिया, हुण ही गुरु वाला बन। मन नूं लगी सी चोट, ते सारी रात नींद ना आई, अगे तो दिन चढ़े उठदे सी। अज सवेरे ही कन्ना च पई बाणी की आवाज बीबी अमरो तो, नूं सी इह इन्ना प्यारा लग्या शब्द, कहिंदे धीए जो तैं पढ़िया मैनू तां सुन के शांति आ गई। ये किहदी रचना तू पढ़ रही है? फिर उहने दस्या, कहिंदी ये गुरु नानक पातशाह दी बाणी है। कहिंदा मैं तां दर्शन करने हैं। फिर उह कहिंदी हुण गुरु नानक पातशाह शरीर करके तां नहीं हैगे, उहनां दी जोत मेरे पिता गुरु अंगद देव विच है। कहिंदे हुणे ही चल, देरी नहीं कीती, घर च कीती रह, ते अपनी नूह नू लिया नाल, फिर गए सी महाराज दे दर्शन करन। बीबीओ स्कूलां कालजां दी विद्या तां पढ़ लैनी हो जरूर, मुंडे भी कुड़ियां भी सर्टिफिकेट तां बहुत चक्के होए है, पर जपजी साहब किसे दे याद है? आखो सतनाम श्री वाहे गुरु। तुसी ए याद करके देखियो, 40 दिन नेम नाल अमृत वेले उठ के जपजी साहब पढ़ियो, जे कारज रास ना होण फिर कहो, क्योंकि पाठ एक ऐसी चीज है जिन्हां ने भी पढ़ लिया ये तो मुरदियां च भी जान पाउंदा। आखो सतनाम श्री वाहे गुरु। जरूर पढ़िया करो, जपजी साहब याद करो, थोड़े कारज विच कदे दिक्कत नहीं आऊगी। जे नहीं घर हैगा बन जूगा, पाठ करिया कर। जे नहीं कम चलदा चल पूगा, हो जांदी है बख्शिश। महाराज कहिंदे ये गुरु का उपदेश है। देखो बाबा अमरदास आए ऐहे जे सेवा च लगे, वो गुरु बन गए गुरु। ते जोड़न दा शेरा किनू जांदा है? बीबी अमरो नू, वो नू सी सहुरे घर च।
ਇਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟੁੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਐਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਪੰਦਰਾਂ ਹੀ ਭਗਤ, ਗਿਆਰਾਂ ਭੱਟ, ਚਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੈਠੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੰਨਾ ਅਦਬ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਤੇ ਐਂ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਂ ਖਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਿਆਰੇ। ਸੁਣਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇਰੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਵੀ ਕਰ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਕਰ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਪਾਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ, ਸਵਾਸ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਹਰ ਹਰ ਜਪਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਭਜਨ ਪਾਠ, ਕੋਈ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ, ਪਰ ਆਨੰਦ ਉਹਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਈਏ ਗੁਰਮੁਖ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਰ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਬਸ ਸਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਗਏ, ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਜੋ ਕਰੇ ਨਾ ਗੁਣ ਨਾ ਉਪਕਾਰ, ਐਵੇਂ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ 'ਚ ਨਾ ਫਸਿਆ ਕਰੋ, ਓਨੀ ਕੁ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਓਨੀ ਜਿੰਨਾ ਮਨ ਸੁਣੇ ਗੁਰਮੁਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ। ਜਿਸਨੋ ਦਿਆਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੇ। ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਿਆਲ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਹਿ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੁੜੋ ਗੁਰਮੁਖ, ਫਿਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜੋ, ਜਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਫਿਰ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲੂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਵੀ ਜਪਦੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਹਿ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆਪ ਜਪੀਏ ਨਾ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦੂਕਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਖਾਲੀ ਦਾ ਘੋੜਾ ਦੱਬੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਗੁਰਮੁਖ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਘੋੜਾ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਰੰਗਤ ਚੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹੀਦਾ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਵੇ। ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਲੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਰੀ ਦਾਸ, ਫਿਰ ਜਥੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਚ ਕੱਲੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਬੋਲਿਓ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ, ਮੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ, ਮੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ, ਮੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ, ਮੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ। ਬੀਬੀਆਂ ਬੋਲੋ, ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ,
मिली उन्हां प्यारियां नूं जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित आवे मिली उन्हां प्यारियां नूं मिलिया तेरा नाम चित आवे मिली उन्हां प्यारियां नूं जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित आवे मिली उन्हां प्यारियां फिर बोलो माइया जिन्ना मिलिया लो हुण सुनो इतिहास आम सादी जिंदगी जीण वाले घरां दा कम धंदा करन वाले भी गुरु दा रूप हो जांदे पहलां तां धन गुरु रविदास महाराज जी जिन्हां दा इह पावन स्थान है देखो आदि धर्मी कह लो जां चमार बरादरी कह लो उहदे च पैदा होए पर सिमरन कीता गुरु नानक पातशाह दे नाल मिलाप होया गुरु चूड़काने भी सुल्तानपुर लोधी भी ते उदों बाद बनारस गुरु राम गुरु रविदास महाराज जी दी 104 साल दी उम्र गुरु नानक पातशाह आप गए बनारस उन्हां नूं मिले आ जिहड़े 40 शब्द ते एक सलोक गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है ना ਇਹ ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਪੋਥੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਸੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੁਰੂ ਹਰਸੋ ਹੀਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰਹਿ ਆਨ ਕੀ ਆਸ ਤੇ ਨਰ ਦੋਜਕ ਜਾਹੇਂਗੇ ਸਤ ਭਖ ਹੈ ਰਵਿਦਾਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज जी जिन्हां दा शब्द पढ़े है ना इन्हां दे वेले एक भाई जरनैल आम लोगों नूं जैला कह दिंदे ओह कपड़े बुणदा हुंदा कुछ ओह सी रविदासिया बरादरी जिहड़े जोड़े जुत्तियां बणाउंदी कुछ ओह सी जिन्हां नूं जुलाहे चमार कहा जांदा सी उन्हां ने ताणी खद्दर आदिक बुणना ते चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज वेले भाई जरनैल बहुत सारा कपड़ा तैयार करके लेके गया उहदी शरदा सी मैं गुरु पातशाह नूं भेटा करना कुछ निशान साहिब वास्ते कुछ गुरु महाराज और संगत वास्ते लंगर वास्ते ते धन गुरु रामदास महाराज उहदी सेवा वेख के बहुत खुश होए पुछिया कहिंदे वी आ कपड़ा कौन लेके आया है ते दसन वाले फिर कई उदों केड़ा किसे दा इन्ना ज्ञान सी गुरमुख एक कहिंदा जी ये तां जैला च म्यार लेके आए गुरु साहब दया दे घर विच आए कहिंदे अज तों बाद किसे दी बरादरी दा नां नहीं लैणा ये चमार नहीं ये तां रामदास ही सिख है आखो सतनाम श्री वाहिगुरू आ जिहड़ा कोई रविदासी सिख कहिंदा कोई रामदासी सिख कहिंदा ये चौथे पातशाह गुरु रामदास जी वेले सत्कार मिलिया गुरु रामदास जी वेले सेवा कीती गुरु अर्जन देव महाराज वेले सेवा कीती ते गुरु अर्जन देव महाराज दी शहीदी तो बाद छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब उन्होंने हुक्मनामे वख-वख थावां ते भेजे सी भाई जिहड़ा भी गुरु घर नूं मनण वाला है वो चंगे घोड़े ते हथियार लैके आवे हुण जिन्हां कोले भाई आमदन चंगी सी वो कोई खरीद के लै गए भेटा दित्ती पर इधरों अपने जलंधर दे एरिए चों जंडू सिंघा पिंड फगवाड़ा गुराया हुशियारपुर इथों भी संगत गई जंडू सिंघां दे एक शुद्धा ते बुद्धा दो भरा एक इत्थे पिंड पैंदा सी खेड़ी सपरौड़ गुरमुख इत्थों भाई भानू जी वह भी गए ये बाबा संगत सिंह दे दादा जी होए है
जेडे बाबा संगत सिंह नू गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कलंगी बख्शी सी। गुरु वो गए सारे ते छेवें पातशाह नू बेनती की, महाराज असी आ गरीब सिख, गुरु घर ते भरोसा पूरा है, पर असी घोड़े जां हथियार तां नहीं दे सकते, क्यों गरीबी है, ते साड़ी एक भेटा प्रवान करो, असी अपना जीवन ही थोड़े लेखे लाउणा है। आखो सतनाम श्री वाहे गुरु। महाराज कहिंदे करोंगी की साडे कोले तां जंग युद्ध हुंदे, कहिंदे फिर की हो गया, चाहे सानू जंगा युद्धां च शहीद होना पै जाए, बस इच्छा यह है भी तुसी सामने तकदे होवो। ते ये भी बेनती है, जदों भी तुसी अवतार धार के आउणा है ना, सानू भी नाल ही लेके आयो। वो जेड़े कुर्बानियां करन वाले कोई आम रूहां थोड़ी सी गुरमुख, देश कौम दे भले लई मरना जान देनी सौखी नहीं है। ते महाराज नू बेनती कीती, सच्चे पातशाह जद भी तुसी आवोंगे सानू भी नाल ले आउणा, जद भी तुसी आवोंगे सानू भी नाल ले आउणा, तुसी आवोंगे सानू भी नाल ले आउणा, जद भी तुसी आवोंगे सानू भी नाल, जद भी तुसी आवोंगे शहीद होना, सामने तुसी तकते हो पैजे शहीद होना, तुसी तकते हो पैजे शहीद होना, सामने तुसी पैजे शहीद होना, तुसी तकते हो पैजे शहीद महाराज कहिंदे ठीक है। उत्थे फिर रहे जंगा युद्धां च भी हिस्से लए, हो रहे जबर जुलम नूं रोकिया गुरमुख। भाई भानू जी तो बाद इन्हां दे सपुत्र होए आ भाई रणिया जी। थानूं पता है अठवें पातशाह तक तां संगत दर्शन करदी रही, फिर छे महीने तकरीबन इदां दा समां लंघिया, संगत नूं पता ही नहीं सी भी गुरु है कित्थे। अठवें पातशाह दिल्ली च शरीर छड गए, इन्ना बचन कह वे भी बाबा बकाले, ते बकाले जिन्हों हुण बाबा बकाला साहब आखिया जांदा, उत्थे बाई गुरु कच्चे पीले लाला मंजियां बह गए। उदों बाद मक्खण शाह लुभाणे ने, धन्नवाद है उहदा जिन्हें गुरु तेग बहादुर जी नूं प्रगट कीता, गुरु दस्या भी भाई असली गुरु आ है, एवें ना कच्चे पिल्लिया मंगर तुरे फिरो, हार दा मूंह ही देखना पैंदा, धूड़ धुप धक्के तीन चीजा तो बिना कख नहीं पल्ले पैंदा, जे अधूरे मंगर तुरांगे गुरु पूरा होना चाहिए। फिर संगतां गुरु तेग बहादुर जी के दर्शन करन गईयां, ते उस वेले
भाई रणिया जी इथों खेड़ी सपरौट तो गए गुरमुख महाराज के दर्शन दीदार किए दसी वार ता सारी क्योंकि नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर छेवें पातशाह दे सपुत्र सन ते छेवें पातशाह वेले जिहड़ी संगत आउंदी सी मिलदी रहिंदी सी पछाण लिया भी ये साडा ही सिख है। गुरु महाराज ने हुक्म करता भाई रणिया जी तुसी साडी सेवा च रहना। वो सेवा च रहन लग गए। उदों बाद उत्थों चल के गुरु तेग बहादुर जी ने 19 जून 1665 ईस्वी नूं श्री आनंदपुर साहब की नींह रखी सी। गुरु पहला ये जगह का नाम सी मखोवाल। गुरु तेग बहादुर जी ने राजे तो जगह मुल खरीदी नाम रखिया चक माता नानकी ते बाबा गुरदित्ता जी तो यदा टक लवाया। एक तो बाबा गुरदित्ता जिन्हों कहने दीन दुनी का टिक्का वह होया। ये जेड़ा बाबा गुरदित्ता है ये बाबा बुढ़ा जी का पोतरा सी आखो सतनाम श्री वाहे गुरु उहदे तो टक लवा लिया। उत्थे फिर सारे परिवारां नूं सेवा वास्ते ड्यूटियां लातियां। भाई रणिया जी कार सेवा विच भी हिस्सा पाउंदे पशु डंगर भी सामदे लंगर भी बनाउंदे बरताउंदे। उत्थों गुरु तेग बहादुर महाराज ने संसार दे भले लई चाले पाए। मालवे दे विच रटन कीता चलदे चलदे महाराज जा पहुंचे पटना साहिब। गुरमुख उत्थे पटना साहिब की पवित्र धरती ते सारा परिवार रहिंदा सी। उत्थे फिर भाई रणिया जी दे घरों बीबी अमरो जी की पावन कुखों 25 अप्रैल 1667 ईस्वी नूं बाबा संगत सिंह जी पैदा होए। आखो सतनाम श्री वाहे गुरु। इन्हां दा जन्म पटना साहिब गुरु दसवें पातशाह गुरु तेग बहादुर वाहिगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज। गुरु गोबिंद सिंह साहब तो 4 महीने वड्डे सी उम्र विच गुरु बाबा संगत सिंह जन्म हो गया। बड़े प्यार नाल पालिया ते उधर माता गुजरी दी पावन कुखों जिन्हां नूं हुण सत्कार नाल माता गुजर कौर कहिंदे क्योंकि बाद चमृत छक के वह भी सिंह सज गए। साध संगत जी दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह अवतार धारदे है कठिया का ही बचपन बीतिया। फिर उत्थे अनेक तरह दियां खेडां खेडियां नाल भाई जैता जी हुंदे। महाराज ने एक टोली का आगू भाई जैता जी नूं बनाउणा ते दूजी का आगू बाबा संगत सिंह नूं बनाउणा। उदों नाम सी भाई संगता। नकली लड़ाइयां लड़नियां जंगा युद्धां की तैयारी करनी ते राणी मैणी गुरु गोबिंद सिंह नूं बहुत प्रेम करदी सी क्योंकि महाराज ने उन्हूं कहा सी कि मैं तेरा पुत ते राणीए तू मेरी मां है। आखो सतनाम श्री वाहे गुरु। बाबा संगता सी ना जेड़ा इहदा चेहरा मोहरा महाराज नाल मिलदा कई बारी राणी मैणी दे महलां च जांदे ते राणी मैणी नूं भुलेखा पै जांदा गुरु गोबिंद सिंह दे भुलेखे बाबा संगत सिंह नूं ही लाड करी जांदी। गुरु इक्को जिहा चेहरा मोहरा पटना साहिब खेडां खेडियां फिर आ गया सी परिवार श्री आनंदपुर साहिब। गुरमुख ते आनंदपुर साहिब जदों आए इत्थे भी सेवा करनी गुरमुख लंगर बनाउणे बरताउणे बाणी पढ़नी सुननी पढ़ाउणी हथियार चलाउणे सिखे होरां नूं भी सिखाउंदे ते दूर दूर तक जाके प्रचार भी करदे। जदों महाराज ने 1699 की विसाखी नूं खंडे वाटे का अमृत छकाया ना उदों बाबा संगत सिंह जी जथा लैके प्रचार वास्ते गए हुए सी इधर मालवे वल। साडा इलाका बठिंडा नाल ही श्री मुक्तसर साहब जिला बन गया हुण। उत्थे एक पिंड पैंदा खुड्डा गुरमुख उत्थे बाबा संगत सिंह दे हुक्मनामा साहब मिले। आखो सतनाम श्री वाहे गुरु। निशानियां भी कुछ हुण श्री आनंदपुर साहब उस वेले दियां पईआं ने गुरमुखो भाव उदों प्रचार दे दौरे ते सी ते जदों वापस आए
मन नू चा चढ़ गया भी बाजां वाले गुरु गोबिंद सिंह साहब ने सिंह साजते खालसे असी भी अमृत छकना है। फिर सारे परिवार ने गुरु पातशाह तो अमृत की दात मंग के लई। आखो सतना श्री वाहे गुरु। हथां नू जोड़ के ऊं तां रोज मंगण आ जाने हो भी महाराज घर च सुख रहे, साडा पुत दा वीजा लग जे, कुड़ी पढ़ जे, कनेडा वग जे, साडे मुंडे दा विआह हो जे, नूं कोले पोता हो जे, इह जा कुछ तां मंगदे रहिंदे हो। कदे हथ जोड़ के ऐं भी बेनती करो भी महाराज सारे परिवार नूं अमृत दी दात बख्श दिओ। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। देखियो आनंद, फिर अमृत इक वक्खरी चीज है। किणका इस दा पिया जे कलरां ते, ਉੱਥੇ ਖੇਡਾਂ ਬਸੰਤ ਰਚਾਈਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੋ ਗਿਆ ਜੇ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੁੰਘਿਆ ਆਣ ਜੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੇ, ਪੈਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਥੜਕਾ ਦਿੱਤੇ, ਧੋਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਛਕਿਆ, ਖੰਡੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੈ ਪੜਿਓ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾਂ ਕੀ ਅਸਰ ਦਿਖਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾਂ ਕੀ ਅਸਰ ਦਿਖਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਹ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ, ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਹ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਹ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ, ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਹ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗਿੱਦੜਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ, ਗਿੱਦੜਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਗਿੱਦੜਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਪਿਲਾ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਪਿਲਾ ਗਿਆ, ਮਰੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਨ ਪਾ ਗਿਆ, ਮਰੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਨ ਪਾ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਲੈ ਸੁਣਿਓ, ਸੰਗਤੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਨਾਮਦਾਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕਾਉਂਦੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਗੁਰਮੁਖ, ਆ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਮੂਹੜੇ ਦਿਨ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਆਲ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਆਹੀ ਦਿਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਉਹ ਰੈ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸ ਗਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਣ ਖਾਲਸੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਖੰਡੇ, ਉੱਥੇ ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਠੰਡੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਘੇਰਾ ਵੀ ਐਸਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਅੰਦਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਕਣਕ ਦਾਲ ਮੱਕੀ ਸਭ ਖਤਮ, ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਣੀ ਕੋ ਜਾਵੇ, ਦੋ ਜੂਝੈ ਦੋ ਪਾਣੀ ਲਿਆ, ਚਾਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ, ਉਹ ਫੌਜ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਦੋ ਉੱਧਰ ਲੜਦੇ ਤੇ ਦੋ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਗੁਰੂ।
ते सिखां ने फिर पता की कीता, दरख्तां दे पत्ते ला ला के, छिल्लड़ ला ला के, वह भी उबाल के खाधे, पर धर्म नहीं सी छड्डिया। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। हाँ, महा सिंह वर्गियां दा जिक्र आउंदा, कह दिंदे आ भी माड़े सी छड्ड के वागे, पर असल माड़े वह नहीं सी, वह तां चंगे ही सी। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖਤਾ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਨਾਤਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਲੱਡੂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣਾਂ ਪੱਕਦੀਆਂ, ਬਥੇਰਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਚਰਨ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਜੁੜੋ ਭਾਈ ਜਿਉਂਦੇ ਜਿਉਂਦੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਬੇਗੁਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਅਤੇ ਬੇਗੁਰਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਜਿਉਂਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਗੁਰੂ ਐਸੇ ਸਿੱਖ, ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਖਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈਏ। ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ, ਲੈ ਕਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਤਾਈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਤਾਈ, ਕਰ ਦਿਓ ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਬਰਬਾਦੀਆਂ, ਕਰ ਦਿਓ ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਬਰਬਾਦੀਆਂ, ਕਰ ਦਿਓ ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਬਰਬਾਦੀਆਂ, ਕਰ ਦਿਓ ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਬਰਬਾਦੀਆਂ। ਮੁੱਕ ਗਏ ਜ਼ਖੀਰੇ ਮੇਰੇ ਹੀਰੇ ਨੀਰੇ ਦਾਨ ਆਂਦੇ, ਮੁੱਕ ਗਏ ਜ਼ਖੀਰੇ ਮੇਰੇ ਹੀਰੇ ਨੀਰੇ ਦਾਨ ਆਂਦੇ, ਛਿੱਲਾ ਨੰਦ ਰੱਖ ਤਾਂਦੇ ਰਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਛਿੱਲਾ ਨੰਦ ਰੱਖ ਤਾਂਦੇ ਰਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਛਿੱਲਾ ਨੰਦ ਰੱਖ ਤਾਂਦੇ ਰਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਛਿੱਲਾ ਨੰਦ ਰੱਖ ਤਾਂਦੇ ਰਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਇੱਕ ਭੋਰਾ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਭੋਰਾ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਭੋਰਾ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਭੋਰਾ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਐਸੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਛੱਡੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਐਸੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਛੱਡੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਐਸੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਛੱਡੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਐਸੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਛੱਡੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ। ਦੇਗ ਛਕੇ ਬਿਨਾ ਦੇਗ ਚੱਕਣੀ ਮਹਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹੋ, ਪਰ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਦਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਐਸੀ ਗੂੰਜ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਦਲ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ ਹੌਸਲੇ ਹੂੰ। ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ, ਛਕੇ ਛਕਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਦੇਗ ਛਕੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇਗ ਚੱਕਣੀ ਮਹਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਰਾਮ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਬੈਠੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੇਖ ਜਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਛੱਡ ਜੰਗੀ ਚਾਲ ਲਾਲ ਇੱਧਰ ਖਿਆਲ ਕਰ, ਛੱਡ ਜੰਗੀ ਚਾਲ ਲਾਲ ਇੱਧਰ ਖਿਆਲ ਕਰ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਦਾਈ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਦਾਈ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਦਾਈ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਦਾਈ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ। ਨਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੇ ਆਨੰਦ ਕਰ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਤੇ ਕਰ ਜਾਣ ਨਾ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰ ਜਾਣ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਪੋਤਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਜੰਗ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹ ਮੰਗ ਇਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਜੰਗ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹ ਮੰਗ ਇਹ, ਬੈਠੀ ਬੈਠੀ
बैठी वेखा साहेब जादियां दियां शादियां बैठी बैठी वेखा साहेब जादियां दियां शादियां बैठी बैठी वेखा साहेब जादियां दियां शादियां बैठी बैठी वेखा साहेब जादियां दियां शादियां कहंदी करदे जंग युद्ध बंद धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे माता जी तुसी कई बारी कह हटे जे साहबजादियां दे विआह देखण दा चाह है ना लै सुनो थोनू दसदे आखो सतनाम श्री वाहेगुरु वारी वारी माता जी सवाल क्यों ये छेड़दे हो करके भजन बैठे रहो गा आराम विच भजन करो तुसी कहंदे जेड़ी गल विआहां दी कीती छोटे फरजंद मंगे कंध सरहंद दी च होणगे आनंद तेरा पोह नू धूम धाम विच वड्डे साहबजादियां दी होऊ चमकौर शादी चलदियां तेगा ते हुंदी कतलाम विच छोटे फरजंद मंगे कंध सरहंद दी च होणगे आनंद तेरा पोह नू धूम धाम विच तुसी कहने हो ना विआह वेखना है इन्हां दा विआह लाड़ी मौत नाल होना है आखो सतनाम श्री वाहेगुरु तुसी भी नजारा सारा वेखोगे बहादुरां दा उत्थे होवोगे कहिंदे सुचानंद वर्गे भी होणगे तमाम विच होके शादी सुधा सीधे जाणगे बैकुंठ बनी मुड़के ते आउणा नहीं आनंदपुरी गां विच दसता ते जदों दसिया फिर भी मां सी मां भी ऐसी जिहदी ज्यादातर जिंदगी दुखां च ही गुजरी आखो सतनाम श्री वाहेगुरु कहिंदी पुत्रा आ कहे जा बचन दसता पहला दुख तेरे पिता दा मैं झल्लिया फिर जीतो मर गई सीना छल्लिया पहला तेरे पिता जी शहीदी पा गए फिर घर च खुशी आई तीन साहबजादियां नू जन्म देण वाली माता जीतो जी चलाना कर गए मैं तो मसा पालिया है किन्ना होवे बाग हरिया भरिया जग दा बच्चे गुजरिया तो उजड़िया लगदा बुरा दुख हुंदा ढिड दी अग दा कहंदे माता जी ये तो फिर सब कुछ होना है ते माता गुजर कौर जी कहंदे देखो पिछे इतिहास पढ़ के राम चलिया जदों बनवास सी पिछे दो पुत दशरथ पास सी नाले उन्हां दे मुड़न दी भी आस सी तां भी मर गया महल उत्तों छाल मार के आपां कैम किवें रहांगे चौहां नूं वार के किवें रहांगे लाल ताल दे जे भाणा किवें टाली दा पासा दे पलट समो आउण वाली दा कहिंदी तुसी गुरुओं समरथों ये समा मैं वेख नहीं सकदी इहनूं बदल दिओ महाराज कहिंदे माता जी बदलना नहीं है एवें तां नहीं कहिंदे पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज सब कुछ पता सी फिर भी हस के तोरे आखो सतनाम श्री वाहेगुरु सात संगत जी एवें ना जने खणे नूं पिता बनाई चलिया करो पिता जां तां ओह है जिन्हें सानू जन्म दिता है ते जां फिर धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज उन्हां नूं याद करिया करो दसवें पिता दीआं खुशियां जे लैणियां खंडे वाला अमृत पी सारा सरबंश गुरां साडे लई वारिया है कोल उन्हां रखिया भी की उन्हां ने साडे लई कुर्बानियां कीतियां सच्चे पिता जदों माता जी नूं दस्सिया ते माता जी दा शरीर कंब गया गुरमुख कहिंदी पाले नाजवर दरिया दे नाल मैं नित गिणदी उम्र दे साल मैं पोत नूहां वेखण दे करां ख्याल मैं मैनू तैथों वध इन्हां दा सहारा पुत्रा हुंदा मूल नालों व्याज वे प्यारा पुत्रा महाराज कहिंदे तां सब कुछ होणा है फिर होया भी विक्रम घेरा पिया रिहा ते आखिरकार मुगलां ने झूठियां कसमां खा के गुरु गोबिंद सिंह नूं इह लिख के भेजिया सी वी सानू कुरान दी ते गीता दी कसम है एक वारी आनंदपुर साहब दा किला छड्ड दिओ असी औरंगजेब नूं कह के कहिंदे हो जांगे वी गुरु जी तो किला खाली करा लिया कहा यह सी वी तुसीं औरंगजेब नूं दिल्ली जाके मिलो जफरनामा साहब पढ़ो उहदे विच लिखिया महाराज कहिंदे तैं कुरान दी कसम खाधी बुलाया सी मिलन वास्ते मंगरी फौजां चढ़तियां
बेईमान है आखो सतना श्री वाहे गुरु। किला खाली करवा लिया जदों किला छड़िया सी उदों फिर गुरमुख प्यारियो जेडे हालात सी ना वो कहने ते सुनने बहुत औखे। जिन्ना गलियां च रहा फतेह सिंह खेडदा उन्हां गलियां च वैरी सप वांगू मिल फौज फिरदी सी कोई थे आवे सिख खत्म कर देंदे सी। गुरु महाराज गुरु तेग बहादुर जी दे सीस दा संस्कार जिथे कीता सी उस स्थान ते गए अरदास कीती एक सेवक दी ड्यूटी लाती तैं इहदी सेवा संभाल करनी है क्योंकि यह गुरु पिता दा स्थान है बजुर्गां दा सत्कार जिन्ना चिर सेवा करदे रहोंगे भाई गुरबख्श सिंह तैनू साडे दर्शन हुंदे रहणगे आखो सतनाम श्री वाहे गुरु। फिर जिहड़ा समान सीगा शौक दे सायावान सेवक जो लियाए सी लाके ते लांबू सारे अग च मचाए होरूं दा होरूं भाणा बिंद च बरताता जी लगदा नहीं पता तेरिया चोजां दा दाता जी। महाराज कहिंदे संगत दीयां चीजां इन्हां तुरकां दे हथ नहीं आउणियां चाहीदियां क्योंकि जदों भी कोई शरदा ना भेटा दिंदा है ना हुण आपां नूं भी हुंदा वी गुरु महाराज वास्ते सेवा दित्ती है ते गुरु घर दी सेवा च ही लगे चीज होवे गुरु घर दी आम बंदा वरती जावे आपां नूं भी दुख हुंदा है। गुरमुख कहिंदे संगत दीयां भेटावां माया सी कुछ सतलुज दे विच रोड़ती गुरमुख लाया अंदाजा सी उस दौलत दे जोड़ दा सारा वह माल सीगा 18 करोड़ दा उस वेले जिसनू दरिया विच हथी कलगी धर रोड़ दा ते माता गुजरी कहिंदे कहिंदी पुत इन्नी माया ये सतलुज दलिया च रोड़ी जाने हो आ सिखां नू दे दो वेख्यो फिर लड़दियां नू। महाराज कहिंदे माता पूजा दा पैसा सेवा वाजो नहीं पचदा है खाके ते मोहरा माता बंदा नहीं बचदा है मोहरा कहिंदे जहर कहिंदे धर्म कारजां वास्ते जिहड़ी माया आई है जे इहनू आम कोई खावे ना उहदे वास्ते जहर बन जांदा है ये खाणा सौखा है पचाउणा बहुत औखा है आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। ख्याल रखना है गुरमुखो अपने वल्लों सेवा करनी है जिन्नी हो जाए। महाराज कहिंदे माता जे मैनू जहर दे सकदी है कहिंदी ना पुत ऐ किवें जहर दे दियां महाराज कहिंदे सिख भी मेरे पोती है इन्हां नूं इह माया नहीं दित्ती जा सकदी रोड़ ते खजाने गुरमुख क्यौड़ा ते अतर मोतिया बिचे मधवाता जी लगदा नहीं पता तेरिया चोजां दा दाता 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 जी लगदा नहीं पता तेरिया चोजां दा लगता नहीं पता तेरे खजाने रोड़ ते उदो फिर भाई जैता जी ते बाबा संगत सिंह जी भाई उदय सिंह भाई बचित्र सिंह कई जथे तैयार किए कहिंदे दो जथे मूहरे रहो मंगर माइयां दे डोले जाणगे उदों बाद फिर उन्हां दी राखी लई पिछों दुश्मन वार ना करे। भाई संगत सिंह जी तुसी अपना जथा लेके जाना इदां ही भाई बचित्र सिंह भाई उदय सिंह वर्गियां नूं तोरिया ते जदों तुरन लगे ना गुरमुखो अरदास कीती कहिंदे ने जदों कलगियां वालड़े पातशाह दी पिठ हो गई वल आनंदपुर दे चक्कर आ गया शहर दी भूमिका पक्के पाट गए महल आनंदपुर दे किनके किनके ने मारियां धर्म तहां गए पैर सी हल आनंदपुर दे
लोग रोए गुरमुखो। फरसा पाट गईया, मीह पिया बहुत जोर दी, हनेरी आई ते उधरों साहिबजादियां दे मित्र आ गए। यो बचपन का प्यार सी, सारिया नू गलवकड़ी पापा मिले ते मित्र पुछदे आ साहिबजादियां दे वीर जी हुण कदों आओगे। ते साहिबजादे फिर अपने मित्रां नू कहिंदे सी, मित्रो साढ़े अज मेले मित्रो अखीर दे मुड़ के ते आउना नी, साढ़े अज मेले मित्रो अखीर दे मुड़ के ते आउना नी, साढ़े अज मेले मित्रो अखीर दे मुड़ के ते आउना नी, साढ़े अज मेले मित्रो अखीर दे मुड़ के ते आउना नी, साढ़े अज मेले मित्रो अखीर दे मुड़ के ते आउना नी, साढ़े अज मेले मित्रो अखीर दे मुड़ के ते आउना नी। लै गया सैन बोड़े अज साढ़े नां दा सिवा एक प्यारी मां दा सारे परिवार चो, उन्हें चाले पौने नाल नी वहीर दे रोंदिया नू बराउना नी, साढ़े अज मेले मित्र अखीर दे मुड़ के ते आउना नी, साढ़े अज मेले मित्र अखीर दे मुड़ के ते आउना नी, साढ़े अज मेले मित्र अखीर दे मुड़ के ते आउना नी, साढ़े अज मेले मित्र अखीर दे मुड़ के ते आउना नी। हुण आपां सतलुज तारियां कट्ठे नहीं लावांगे, हुण नहीं मेला होना। कई बारी हसदियां खेडदियां मजाक करदियां जे गल कोई चुभ गई होवे तां सानू माफी दिओ। हो गए हो ये कौड़े किसे नाल वीर दे दिलां ते लिआउणा नी, साढ़े अज मेले मित्र सब नू मिले अरदास करके तुरे। उदों बाबा संगत सिंह भी नाल ही है। ते प्यारे ओ, बस ज्यों ही आनंदपुर साहब तो बाहर निकले, कहंदे भुल गए कसमां खादियां हिंदू मुसलमान, चढ़ के पिछे सिंघां दे जा पाया कसमां, मंगरी हल्ला करता दुश्मन ने करता हल्ला, बड़ा भयानक युद्ध मचिया, घेर के ना रथ लियाए तंबूआं च, ते जदों खोले उन्हां विचों मरे पशुआं दे हड्ड ते जुत्तियां ही मिलियां। आखो सतनाम श्री वाहे गुरु या अली दे नारे लाउंदे लाउंदे गुरमुख प्यारे मंगर हमला करता। जथा तुरिया सी तकरीबन 550-550 सिखां दा, पर जदों तक सरसा दरिया पार कीता जिथे गुरुद्वारा परिवार विछोड़ा साहब बनिया, उथों तक जांदिया जांदिया बस रस्ते विच कीरतपुर दे मुरदियां ते चढ़ गए मुरदे, जिथे एक सिख दी लाश वैरी पए 15 पास। जंग जुद्धी हुंदा गया, बहुत सिंघां ने शहीदियां पाईयां। साहबजादा अजीत सिंह नूं भी घेरा पै गया उत्थे। भाई जैता जी बाबा जीवन सिंह कहिंदे, वीर जी तुहानूं गुरु पिता बुला रहे हैं। उन्हां नूं अगे तोरता, आप युद्ध करन लग गए। शाही टिब्बी दे नेड़े अस्थान बनिया होया, उत्थे उदय सिंह ने शहीदी पाई। यह उदय सिंह ते बचित्र सिंह दी जोड़ी सी बड़ी। जदों राजा केसरी चंद मस्त हाथी लियाया सी ना, उदों भाई बचित्र सिंह ने तो हाथी दे मत्थे च मारी सी नागनी, ते उदय सिंह राजे दा सिर वढ के लियाया सी। गुरु जोड़ियां हुंदियां सी, हुण कित्थे प्यार रह गए गुरमुख? दो जाने नहीं कट्ठे रल के रह सकदे आपां। भाई उदय सिंह उत्थे शहीद होया, भाई बचित्र सिंह जख्मी हो गया। अमृत वेले दा समा मेरे मालक ने नितनेम कीता, आसा दी वार दा कीर्तन भी कीता। गुरमुख वो सानू समझाया, एडी वड्डी भी विपता आ जाए सिखा, नितनेम ना छड्डी। आखो सतनाम श्री वाहे गुरु। समय चो समा कढ के जरूर करना है गुरमुख। नितनेम का मतलब ही यह है, साडा नित दा नेम
ਆਸੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਸਰਸਾ 'ਚ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮੂਹਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਲੱਗੇ ਮੰਗਰ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਸਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕਾਠਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮੋਦਨ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਇੱਦਾਂ 40 ਕੁ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮੀ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਬੱਚੇ ਪਿਆਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਘਬਰਾਏ ਸਿੱਖ ਆ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪੁਕਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਗਿਆ ਦੇਵੋ ਕੁਛ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲ ਕੇ ਲਿਆਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਗਏ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕੋਲ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਪਤਾ ਸੀ ਸਭ ਕੁਛ, ਕਿਆ ਫਿਕਰ ਕਰਤੇ ਹੋ ਐ ਜਾਨ ਸ਼ਾਰੋ, ਜੇ ਉਹਨ ਬੱਚੋਂ ਕਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਣ ਰਿਹਾ, ਕਟਾਊਂਗਾ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਹ ਬਾਕੀ ਕੇ ਜਾਕਰ, ਅਕੇਲਾ ਰਹਿ ਜਾਊਂਗਾ ਘਰ ਕੋ ਲਟਾਕਰ, ਕਭੀ ਬੇਟੇ ਬਾਰੇ ਕਭੀ ਵਾਰਾ ਵਾਰਿਸ਼, ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਸੇ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਏ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ, ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਵਰਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ, ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਵਰਗਾ, ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ, ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਵਰਗਾ ਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ, ਪਿਤਾ ਤਾਹੀ ਮਿਲਣ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕਲੰਗੀ ਵਾਲਿਆ ਗੁਰੂਆ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕਲੰਗੀ ਵਾਲਿਆ ਗੁਰੂਆ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਲੰਗੀ ਵਾਲਿਆ ਗੁਰੂਆ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਦਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਛਿੰਬੇ ਤੇ ਨਾਈਆਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕਲੰਗੀ ਵਾਲਿਆ ਗੁਰੂਆ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ, ਕਲੰਗੀ ਵਾਲਿਆ ਗੁਰੂਆ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕਲੰਗੀ ਵਾਲਿਆ ਗੁਰੂਆ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਟੋਲਾ ਚਮਕੌਰ ਚ ਦਿੱਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਇਆ, ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸੀ ਅਫਸੋਸ ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ, ਜਿਸਨੇ ਸੀ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋੜ ਸਮਾਈਆਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਕਲੰਗੀ ਵਾਲਿਆ ਗੁਰੂਆ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਕਲੰਗੀ ਵਾਲਿਆ ਗੁਰੂਆ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਪਿਤਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਆ ਗਏ, ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਰੋਪੜ ਗੁਰਮੁਖ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡਤਾ, ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿਗੁਰ ਚਮਕੌਰ ਚ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਥੇ ਆ ਗਏ, ਪੱਕੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਵਾਹ ਨਾਲ ਕੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈ ਗਏ, ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਸੀ ਹਵੇਲੀ,
ये भी हुण दो दिन हन गए जी, दशमेश मुसाफर बन गए जी। ते आप जी नूं पता ही है सारे सिंह पए मेरे सतगुरु कले कले दा मुखड़ा चुमदे सी, कहिंदे कल नूं इन्हां ने लाड़ी मौत नाल शादी करवाउणी, ये मेरे लिए जाना कुरबान करन वाले है। अपने साहबजादियां नूं प्यार कीता, भाई काठा सिंह मोदन सिंह मजहबी सिख परिवारां चों सी, बड़ियां कुरबानियां उन्हां नूं बड़ा प्यार दिता, किसी की लत कट्टी पई है, किसी की बांह वड्डी पई है, बहुत औखी रात सी ओह कहर दी, माही दे विछोड़े वाली रात आई कहर दी, गली गली रोंदी सी आनंदपुर शहर, लोग ताहां मारदे सी कौन साडे रोयां दी कदर पाऊगा, साइयां तेरे वाज जी पैणगे भुलेखे ना नजर आऊगा कलंगी ते ताज जी, जेड़े थाई तेरे दरबार लगदे सुन्ने पए होणगे, साडियां की नेत्रां चो नीर वगदा है पंछी भी रोणगे, जेड़े थावां उत्ते तेरे लाल गुरुआ खेडदे सी फिरदे, वेखे जदों उठ के सवेरे गुरुआ पटणगे हिरदे। वो बहुत औखा समा, रात लंघी सवेरे युद्ध होया गुरु, जदों युद्ध होया बहुत वड्डा, फिर सिंघां ने 10 लाख सेना का मुकाबला किया, जेड़ा बचन कहा सी ना, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब गोबिंद सिंह नाम कहाऊं, ये बचन उत्थे पूरा किया गुरु। 6 सिंघां का जथा महाराज भेजते रहिंदे, जंग युद्ध हो ही गया, सिंह आप जी नूं पता शहीदियां पा गए, ते शाम तक गोली तीर जो बरूद कोल सी वह भी खत्म हो गया, ते शाम नूं फिर सिंघां ने रै बनाई, भाई दया सिंह गए कहिंदे महाराज गोली सिक्का सारा ही फतेह बुला गया, दिन दा भी तीसरा पहर आ गया, जुड़िया है दल बेशुमार गुरुआ, मुक गए तीरां ते हथियार गुरुआ, हुण साडी राय यह है तुसीं इत्थों बच के निकल जाओ। जद दया सिंह ने इन्नी गल कही ना, महाराज कहिंदे दया सिंह आ की आख्या है, इन्नियां दे शहीदियां पातियां ते मैं बच के निकल जा, लोग कहणगे गदार सी दूजियां दे पुत मरवा के आप बच के चलिया, मैं नहीं जाना, साफ जवाब। भाई दया सिंह ने नाल दियां नूं दस्या, ते नाल दे सिंह कहिंदे दया सिंह आ कल्ले ही बेनती करके मुड़े आया, याद कर जदों अमृत छकाया सी महाराज ने कहा सी 5 प्यारे गुरु दा रूप है, इन्हां दी आग्या च रहना, इत्थे फिर तरीका वरत्या, 5 सिंह कट्ठे होके गए, जाके बेनती कीती सच्चे पातशाह तुसी सही सलामत रहे तां साडे वर्गे लखां होर सजा लोंगे, जे तुसी इत्थे शहीदी पा गए असी लखां रल के एक गुरु गोबिंद सिंह नहीं बना सकांगे, गुरु पंथ का हुक्म है चमकौर दी गढ़ी च रहण दी थोनू आग्या नहीं, इत्थों जाओ आखो सतनाम श्री वाहेगुरु, फिर नहीं महाराज बोले, कहिंदे खालसा मेरो रूप है खास, ये तो मेरा रूप है, मैं 5 सिंघां का कहा मोड़ नहीं सकता। फिर उदों भाई मोदन सिंह काठा सिंह होणियां दी ड्यूटी लाती, तां एक ने नगारा वजाउणा है, एक ने वाहेगुरु वाहेगुरु जपदे रहणा, ऐ अड्डो अड्डी ड्यूटियां। ते साध संगत जी जेडे बाबा संगत सिंह सी इन्हां नूं मेरे सतगुर ने बुलाया, फिर संगत सिया कहिंदा हुंदा सी तन मन धन सब सौंप गुर को हुक्म मन्ने है पाई है, आजा फिर तेरे वास्ते हुक्म है, मैं अपना बाणा तैनू पहनाउणा है। ये 5 सिंह कहिंदे ने इत्थों जावां पर मैं डरपोक बन के नहीं जाना, शर्त यह है मैं ताड़ी पा के बैठी हुई फौज नू बंगार के फिर जाऊं, कहिंदे उदों फिर गुरमुख प्यारे हो जिहड़ा इतिहास चलदा बाबा संगत सिंह जी का, महाराज ने बुलाया, ऐ रेशमी चोला पाया सी ला लिया बाबा संगत सिंह दे पाता गुरु, नाले तां गलवकड़ी च लिया प्यार कीता है, कैसा दिल होना गुरमुखो,
ते धन बाबा संगत सिंह सी, पता सी भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने तो चले जाना है, कल नू फौज ने हमला करके सानू फड़ना, ये नहीं पता किन्ने क दुख देंगे, पता सी सब, पर फिर भी पासा नहीं वटिया। आखो सतनाम श्री वाहे गुरु। धन सिख सत गुर जी तेरे है, धन सिख सत गुर जी तेरे है, गुर जी तेरे है, धन सिख सत गुर जी तेरे, धन सिख सत गुर जी तेरे है, 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 धन सिख सत गुर जी तेरे है। उस वेले संगत सिंह जी नू बुलाया, तीर कमान पत्था मोढे चो ला के संगत सिंह दे पहनाता, अपने सीस तो कलंगी लाही, कहंदे खालसा पंथ दी इको एक कीमती चीज सी आ कलंगी, ये भी अज मैं खालसे नू दे चले। आखो सतनाम श्री वाहे गुरु। प्यारियो मान करिया करो शहीदां सिंघां दा, कलंगी जिगा तेरे शमी माणा सौंपिया संगत सिंह नू, कलंगी जिगा तेरे शमी माणा सौंपिया संगत सिंह नू, कलगी जिगा तेरे श्री जी सौंपे आ संगत सिंह नू, कलगी जिगा तेरे श्री सौंपे आ संगत सिंह नू, कलगी जिगा तेरे श्री सौंपे आ संगत सिंह नू, कलगी जिगा तेरे श्री कलंगी जिगा तेरे शमी बाणा जी, कलंगी जिगा तेरे शमी बाणा पिया संगत सिंह नू, कलंगी जिगा तेरे शमी बाणा पिया संगत सिंह नू। कहंदे आ लो सरदारियां थानू दे चले आं, इनू संभाल के रखियो। आखो सतनाम श्री वाहे गुरु। फिर सारे सिंह सी ना जेडे भरे हुए मन नाल फतेह बुलाई, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मसाल ची मसाल लई फिरदा सी, पातशाह ने चलाया तीर ते मसाल डिग पी गुरु, किले का दरवाजा खुलिया, हवेली सी कच्ची, जी नू कच्ची गढ़ी कहने, महाराज निकले तो उत्थे ना एक गुरद्वारा साहब है, उहदा नां है गुरद्वारा ताड़ी साहब। फौजां दा घेरा पिया होया, महाराज ने तीन वारी ताड़ी पाई, ए चोरां वांगू नहीं सी गए, नाले उच्ची दिने कहा सी, कहंदे पीरे हिंद में रवद, क्योंकि ज़्यादातर फौज च मुसलमान सी, फारसी समझदे सी, कहिंदे हिंद दा पीर जा रहा है, जे किसे विच हिम्मत है फड़ के विखाओ। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। जेड़े फौज घेरा पा के बैठी सी, आपस विच ही लड़ लड़ मरन लग गए गुरु, नेरा सी धुंद सी मीह पैंदा सी। चलो इतिहास लंबा, मैं बाबा संगत सिंह जी का जिक्र कर रहा, महाराज तो उत्थों चले गए। फिर अगले दिन नौ पोह का दिन, उस दिन प्यारे फौज ने एकदम हल्ला करता, जेडे सिंह किले दे विच सी उन्होंने मुकाबला किया, पर ज्यौंदे जी हाथ नहीं आए, वो बचन पूरा किया जेड़ा हुण तक गाउंदे आए सी, देह शिवा बर मोहे ए है शुभ करमन ते कबहू ना टरूं, ना डरूं अरसो जब जाए लरूं, नेह चै कर अपनी जीत करूं।
ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 40 ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨੀਂਦ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ 40 ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 10 ਲੱਖ ਸੈਨਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਮਾਂਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਹਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ। ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਮਾਣ ਨਾਲ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲੋ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲੋ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ, ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲੋ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲੋ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲੋ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ, ਤੜਫਦਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਦੀਦ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਵਾਂ, ਤੜਫਦਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਦੀਦ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਵਾਂ, ਸਾਡੀ ਦੀਦ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਵਾਂ, ਤੜਫਦਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਦੀਦ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਵਾਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲੋ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲੋ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲੋ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲੋ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀਸ ਕੱਟ ਲਿਆ। ਗੁਰ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅੜਿੱਕੇ ਆਇਆ, ਸਿਰ ਵੱਢ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਵਜੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਨਵਾਬ, ਇੱਥੇ ਸਰਹੰਦ ਲਿਆਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਸਰਹੰਦ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਆ ਨਾਂ। ਹੁਣ ਸਰਹੰਦ ਵਾਲਾ ਵਜੀਦਾ ਇੱਥੇ ਲਿਆਇਆ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਸੀ, ਕੁਛ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕੱਟਾ ਸਵੌਰ ਪਿੰਡ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੰਨਦੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਛ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਲੈ ਗਏ ਸਰਹੰਦ। ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀਸ ਕੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਖਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਤੇ ਬਾ ਨਵਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਗਮ ਸੀ ਜੈਵਨੇ ਸਾਹਿਬ,
उन्हों भी पूछया क्योंकि वह गुरु घर पहला जाती होंगी है हिंदुओं की लड़की सी धक्के ही इन्हें अपने बेगम बना के रखी सी उन्हों भी दिखाया भी तैं आनंदपुर साहब जाके गुरु गोबिंद सिंह नूं वेख्या है भला दस गुरु गोबिंद सिंह का सीस है वह भी कहती नहीं इदा फिर 21-22 दिन बरसे ते टंग के ना सरहंद च रखिया फिर इत्थे दो गुरु घर दे श्रद्धालु सी भाई मगर सिंह ते बघौर सिंह उन्हां नूं एक दिन महाराज ने ऐसी हिम्मत बख्शी गए ते आले दुआले फौज का पहरा लग्या पिया कढ लिया श्री साहिबां पहरेदारां नूं मार के ना फिर बाबा संगत सिंह का सीस चुकिया रेलवे लाइन के नाल लिजा के वेली थां ते उन्हां दे सीस दा संस्कार कीता आखो सतनाम श्री वाहेगुरु संस्कार कीता गुरमुख देखो एक तो गुरु तेग बहादुर साहब एक बाबा संगत सिंह कई बारी बच्चों नूं ये सवाल आउंदा भी दसो दो बारी संस्कार किहदा होया एक तो गुरु तेग बहादुर जिन्हां दे धड़ दा संस्कार होया दिल्ली ते सीस दा संस्कार होया श्री आनंदपुर साहब ते सिखां विच्चों बाबा संगत सिंह है धड़ दा संस्कार उत्थे चमकौर साहब दी धरती ते हुंदा है ते सीस दा संस्कार सरहंद फतेहगढ़ साहब हुंदा है आखो सतनाम श्री वाहेगुरु जिदे किते जाओ आ जिहड़ी बस्सी वल नूं बस्सी पठाणा नूं जांदी है ना रेलवे लाइन उहदे नाल स्थान बणिया ते बदकिस्मती कौम दी इह है किड्डे किड्डे साडे महान योधे हो गए जिन्हां ने गुरु महाराज तो बख्शिशां प्राप्त कीतियां ते असीं अपना इतिहास ही भुल गए आखो सतनाम श्री वाहेगुरु विरोधी धिरां चालां चली जांदियां पहलां तां ऐं लड़ाता भी कलंगी बाबा संगत सिंह नूं दित्ती जां बाबा जीवन सिंह नूं इह लड़ाइयां ही है फालतू दीआं गल्लां कलंगी बाबा संगत सिंह नूं ही दित्ती है गुरु बाकी सिरे ग्रंथ पढ़ लो ते जां तुसी तां इत्थे नेड़े रहिंदे हो जाओ चमकौर साहिब किहड़ा दूर है नेड़े ही इधर थां थां ते लिखिया होया है कि कलंगी बाबा संगत सिंह नूं दित्ती किड्डे किड्डे साडे योधे होए इतिहास पढ़िया करो माण नाल उहनां नूं याद करो ते आप भी कोई अपने विच्चों कोशिश करो चंगे काम करिए जिहदे करके साडे इलाके दा नाम उच्चा होवे आखो सतनाम श्री वाहेगुरु नित्रो 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 भाई कोई गुरु दा प्यारा नित्रो 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 भाई कोई गुरु दा प्यारा नित्रो नित्रो भाई कोई गुरु दा प्यारा नित्रो 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 भाई कोई गुरु दा प्यारा नित्रो 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 भाई कोई गुरु दा प्यारा नित्रो 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 जी सतगुर दा प्यारा नित्रो 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 कोई सतगुर दा प्यारा नित्रो बजुर्गों ने कुर्बानियां कीतियां जिवें ज्ञानी दित सिंह जी होए आ गुरु पंजाबी अखबार दे पितामा मन्निया जांदा है अमृतसर कॉलेज बनिया वह ज्ञानी दित सिंह दी देन है गुरु आ जिहड़ा बनिया ना डीएमसी हॉस्पिटल जां स्कूल कॉलेज भी कई बनाते स्वामी दयानंद होए हिंदू वीरां चों एक बारी उन्होंने कहता कहिंदा गुरु ग्रंथ साहिब विच जो लिखिया ये कोई रूहानी चीज़ नहीं माफ़ी दिओ उहदे बोल सी कहिंदा ये तां कविता मैं ज्ञानी दित सिंह ने सभा बुलाई फिर लाहौर गुरमुख चार बारी उहनूं हराया कहिंदे असीं बाणी चों प्रमाण दिंदे आ जां तां सिद्ध करनी हार मन उहने फिर लिखती रूप च हार मन्नी सी
अमृतसर साहब दर्शन करन जाने हो सरोवर दे आले दुआले मूर्तियां लगियां हुंदियां सी पहले वो ज्ञानी दित सिंह ने सिंह सभा लहर चला के फिर मूर्तियां हटाईयां केवल ते केवल शब्द दे पुजारी बनने कहते किड्डी वड्डी कुरबानी पंजाबी लागू कीती पर दुख इस गल दा ज्ञानी दित सिंह दी याद च किन्ना कुछ बने कि असीं सौंगे गुरमुख जागो भाई अपने पुरखियां दा इतिहास संभालो अपने बच्चियां नूं दस्या करो तेरे पिछे घर किसे अपना लुटाया है सारा जग छड्ड तैनू गल नाल लाया है दसो दे प्यार दा तूं की मुल पाया है आ बच्चियां नूं किवें लाड लड़ा लैंदे जे गुरु साहब अपने लाला नूं कुरबान ना कर दे इन्नियां शक्तियां होण दे बावजूद जे गुरुआं नाल इह हो सकदा है आपां उहनां दे की लगदे सी गुरु गुरु अर्जन देव दी शहीदी गुरु तेग बहादुर जी दी शहीदी मीर मन्नू दी जेल विच बीबियां ने सिंघणियां ने किड्डी कुरबानी कीती घरां चों चक चक लै गए सी कुखां विच बच्चे मारते शहीद किते नन्ने मुन्ने बच्चे गुरु जिहड़ी माई बच्चे नूं दुध चंघाउंदी दुधियां विच गर्म करके ना सरिए लंघा दिंदे सी सवा सवा मन दाणा पे हुंदे फिर भी तरस नहीं किया बच्चों के टोटे कर कर झोलियां च पाते कहिंदे सी थोनू छड्ड देंगे ऐ कह दो भी असी सिख नहीं आखो सतनाम श्री वाहे गुरु पर धनो माइया कहिंदियां मीर मनू असी गुरु गोबिंद सिंह महाराज दियां धीआं ऐ बच्चों के टोटे कर कर झोलियां च पाए हुए फिर भी टोटे किते बच्चियां नूं लाड लड़ाउंदियां सी सौं जा मेरे लाल लोरी देवे मां तेरी वे सौं जा मेरे लाल लोरी देवे मां तेरी वे सौं जा मेरे लाल लोरी देवे मां तेरी वे सौं जा मेरे लाल लोरी बुलियां ता खोल चन्ना दुध चाड़ आया मैनू बुलियां ता चन्ना दुध चाड़ आया मैनू बोल चन्ना बोल हाए जांदी जान मेरी वे सौ जा मेरे लाल लोरी देवे मां तेरी वे सौ जा मेरे लाल देवे मां तेरी वे सौ जा मेरे लाल लोरी देवे इस तरह बच्चियां नूं झोलियां च पा के भी अरदास करदियां सी मालका दिन दा समा आप जी दे भाणे च सुख दा बतीत होया रात नूं दो दो मन पक्का पत्थर रख दे छातियां दे उत्ते जिहड़ी सवा मन दाणा ना पी सकदी फिर भी अमृत वेले उठ के पाठ करना नाले कहना मालका रात्रि दा समा आप जी दे भाणे विच सुख दा बतीत होया आखो सतनाम श्री वाहे गुरु ताही अज उन्हां नूं याद कीता जांदा है भाई सो लो हुण समा इजाजत नहीं दिंदा सारी संगत दा बहुत बहुत धन्नवाद नगर बवाणी दी संगत आले दुआले तों भी इलाके चों जिन्नी संगत आई है सारयां दा ही धन्नवाद मालक कृपा करे गुरु घर दे प्रबंधकां दी सेवा संगत दी सेवा मालक लेखे लावे ते इहो जिहा वडभागा समा वार वार मिले गुरु ता कि आपां अपने गुरु पातशाह दा इतिहास याद करिए गुरबाणी नाल जुड़िए यही साडे वल्लों बेनती है लै दो मिनट आपां सिमरन करना है सब माई भाई नेत्र बंद करके सिमरन दी हाजरी लायो फिर आपां समाप्ति वल वधांगे कोई भी रसना वांझी ना रवे क्योंकि अज बड़े वैराग दा इतिहास महाराज ने आपां नूं बख्शिश कीता सो उन्हां साहिबजादियां नूं माता जी नूं ते सिंघां शहीदां नूं याद करना है पुराने समय तां पोह दा महीना आउंदा कोई घर च खुशी नहीं सी मनाउंदा गुरु भुंजे ही सौंदे कई उन्हां नूं याद करो लो बोलो सारे वाहिगुरु हथ जोड़ के नेत्र बंद कर लो वाहिगुरु वाहिगुरु
वाहेगुरु संगत बोलो वाहेगुरु 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 तू ठाकुर तुम पहि अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा में सुख कनेरे राम कली महला तीजा आनंद इक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु में पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन दियां वादाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां ता गावो हरि केरा मन दुनि वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु में पाया हे मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन
मेरे दुख सब सारना अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना सब ना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नहीं कर तेरा तेरा सब कुछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे जिनके मन वसावा ते शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरा साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाईया गुरबाण किता गुर विट हो जिस दी कह नानक सुनो संतो शब्द तरगो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे कर सुपागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया गुर करम पाया तुम जिन कौ से नाम हर कह लागे आनंद सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पे करते पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे भर पूरे नानक गुर धरण लागे वाजे अनहद तोले सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत रात तो दाई दाया खेले सागल जाग तो चंगियाईया बुरियाईया बाचे धर्म दूर परमिया तो अपनी के नेड़े के दूर इन्हीं नाम ते आया गए मसकत काल नानक से मुख जने केती छुट्टी नाल जिन्नी नाम ते आया गए मसकत नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नानक ते मुख उजले केती छुट्टी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।